हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फनी बूट। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा गया। आज हमने जो है मूवी देखी, गरबा देखा, गरबा किया और लोगों का इंटरव्यू लिया। Thank you.
से हाय टू कैमरा हाय वेरी गुड अंकल की एनर्जी देखने वाली है ये देखिए ये हमारे अंकल मैं इतनी देर से इनको डांस करते हुए देख रहा था इनकी एनर्जी देखने वाली है अंकल जी आप कुछ बोलेंगे या ये एनर्जी आती है माँ की भक्ति से तो जो अगर दिल से भक्ति करेगा उसको ये एनर्जी मिलेगी और ये अच्छा गरबा करने के लिए 6 S जरूरी है स्टेप स्टाइल स्टेमिना स्माइल एंड समर्पण ये जरूरी है अच्छा अंकल जी डांडिया का क्या मतलब होता है अब मेरे दर्शकों को बताएंगे डांडिया का क्या मतलब होता है डांडिया इज अ स्टिक वर्जन अभी जो हम कर रहे हैं ताली से जैसे ये गरबा है डांडिया मीन्स अगर मैंने स्टिक पकड़ी है और मैं कर रहा हूँ तो डांडिया है So that is the only difference. Okay. Otherwise, step-wise, everything is same. Okay. Thank you so much, Angle ji. Thank you so much. So, bhai, aap batao ki ye dandiya ka kya matlab hota hai? Dandiya ka matlab Gujarati hu, to mujhe idea zyada nahi hai Gujarati nahi hone ke wajah se. But mere friend log yahan pe kuch Gujarati hai. So, bas unke saath main dandiya celebrate karne aa gaya. और यहाँ के लोगों का एनर्जी देख के मैं खुद बहुत एनर्जेटिक हो गया नहीं डांडिया आते हुए भी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय किया हूँ वेरी गुड मुझे आपकी लैंग्वेज से लग रहा है आप यहाँ के पुणे के नहीं हो नहीं मैं पुणे आप कहाँ के रहने वाले मैं रांची से हूँ रांची से आप सब लोग मैं झांसी से हूँ मैं बिहार से हूँ बिहार से बिहार सीतामढ़ी मैं गुजरात में सूरत से हूँ वेरी गुड एक बार जोर से जयकारा लगाते हैं बहुत जयकारा तेरा वाली था हम एंजॉयमेंट के लिए डांडिया खेलते हैं हम भी एंजॉय करते हैं सब फ्रेंड्स मिलते हैं मिलजुल के खेलते हैं एक एनर्जी बूस्ट होती है डांडिया से एक एनर्जी बूस्ट होती है एकता बढ़ती है लोग नए फ्रेंड्स बनते हैं इस वजह से है ना एक बार बोलिए आप लोग भी डांडिया खेला करिए आप लोग भी डांडिया खेलिए और खूब एंजॉय कीजिए लाइफ की सबको प्रॉब्लम रहती है भूल कर डांडिया खेल के सब भुला दीजिए थैंक यू ये बात मैंने बहुत बहुत अच्छी कही इतना स्ट्रेस हमारी लाइफ में ये जो माहौल है ना बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल है थैंक यू सो मच मैम थैंक यू हम लोग एक्चुअली रोज आते ही हैं बट जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए दिस इज अ बिग ब्रेक क्योंकि वी डोंट गेट टू गो आउटसाइड दिस इज अबाउट आवर एक्सपीरियंस सो गुजरातियों का जो फील है वो यहाँ हमें मगरपट्टा में मिला तो हमें बहुत अच्छा लगा डांडिया और गरबा इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे गरबा हम एक साल से इंतजार करते हैं बहुत अच्छा लगता है हमें और पूरा होश भी नहीं रहता खेलते रहते और मजा आता है एक दूसरे के साथ खेलते हैं मजा भी बढ़ जाता है और जैसे म्यूजिक स्टार्ट होता है बस दुनिया भूल जाते हैं सुख दुख भूल जाते हैं सब बस एंजॉय ही करते रहते हैं यस वी वेट फॉर 9 days एक साल में 9 दिन ओके दिस डेज आर अनफॉरगेटेबल अच्छा वो जो आपने ऐसा ग्रुप हो जाता है कि जब ये नवरात्रि आता है एक दो तीन चीजें हो जाती है एक फ्रेंड से मिलना हो जाता है ये सोशल गैदरिंग हो जाता है एक साथ के जो अपने रिलेशन है वो एकदम और स्ट्रांग बनते जाते हैं आप कुछ बोलेंगे नहीं वही बोल नहीं सेम ही है लाइक सब वेट करते हैं इस दिन का क्योंकि सब एक साथ मिलते हैं अच्छा करते हैं और वैसे तो बहुत थकान होती है रोज लेकिन ऐसे खेलने में 9 दिन ऐसे खेलेंगे कि सब थकान दूर जाते हैं सब भूल जाते हैं वो एक जयकारा लगा दिए एक जयकारा वो जो हमने हेलो गाइस दिस इज हिमांशु त्रिवेदी मेरा नया चैनल देख रहे हैं आप फनी बूथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहें।